हम तो चाहते हैं कि हाँ सरगुजा से कोई सीएम बने, कोई क्यों नहीं चाहेंगे, अगर घर का मुखिया अगर कोई बड़े पद में हो तो और अच्छी बात है। मैं किसी के घोषणा पत्र से प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि सब पता है कि सबको बस वोट चाहिए। घर में कि आपको पेंशन मिलेगा तो आपको फिर बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, घर में किसी एक को मिलेगा, इतना सारा नाटक करके किसी को नहीं मिला। कारण सबका भाई अपना अपना काम करने का तरीका होता है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं अंबिकापुर विधानसभा में। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान हो चुका है, 3 दिसंबर को परिणाम भी आ जाएंगे। कल देर शाम एग्जिट पोल तमाम एजेंसियों के सामने आ गए, जिसमें कि उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा में सबसे ज़्यादा सीटों का नुकसान देखा गया। क्या कारण है सरगुजा संभाग में सीटों का नुकसान होना, आइए हम वरिष्ठ पत्रकार से जानने का प्रयास करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम कुमार यादव है। जो सवाल आप कर रहे हैं कि जो सरगुजा संभाग में जो सीटों का नुकसान हो रहा है, नुकसान अभी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी रिजल्ट आना बाकी है 3 तारीख को। लेकिन ये है कि आप ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे पिछले बार 14 का 14 सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में गई थी, इस बार कुछ कम हो सकता है। पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि 10 सीट ही कांग्रेस प्राप्त कर रही है, क्योंकि अभी केवल एग्जिट पोल जो है, चैनल जो है और कुछ माध्यम जो बता रहे हैं, कन्फर्म अभी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी जो चुनाव हुए हैं उससे पहले जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जो जारी किया, जिसमें किसानों को देखते हुए उन्होंने जो कर्ज माफ़ी की बात कही है, उससे बहुत लाभ मिलेगा कांग्रेस को, ये कहा जा सकता है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार तो ऐसा आसार नज़र आ रहा है, क्योंकि जो एग्जिट पोल, जितने भी एग्जिट पोल हैं, जो सभी के एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस की सरकार को ही दर्शा रहे हैं कि सरकार ही है, कांग्रेस की ही सरकार आ रही है। ऐसा आप भी देख रहे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ, पूरी जो जनता भी है वो देख रही है, और जो एग्जिट पोल जो सभी जो माध्यमों से प्राप्त हो रहा है उसमें भी कांग्रेस की सरकार ही आ रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन तमाम एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आए उसमें पिछले बार भारतीय जनता पार्टी 15 साल में 15 सीटों पर सिमट गई थी, इस बार कहीं ना कहीं 30+ जाती हुई दिख रही है। कारण क्या मानते हैं इतनी अच्छी वापसी की? कारण यह है कि भाजपा भी है, कमज़ोर पार्टी नहीं है, उसने भी बहुत कार्य किया, और भाजपा ने भी अभी जो घोषणा पत्र जारी किया था, हालांकि ऐन वक्त पे कांग्रेस ने उस पर मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए घोषणा पत्र में जो कर्ज माफ़ी कही और किसानों को देखा है, तो भाजपा ने भी जो अपना घोषणा पत्र जारी किया वो भी बहुत अच्छा है, जिसका काफ़ी प्रभाव जो है भाजपा को भी प्राप्त हो रहा है। क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री TS सिंहदेव बन सकते हैं? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने कई बार कहा है कि हाईकमान जो कहेंगे, घर के जो बड़े बुजुर्ग कहेंगे वही करेंगे, वही मानेंगे। अगर वो कहेंगे कि बड़े घर के कहते हैं या हाईकमान कहते हैं कि आप बन जाओ, तो वही बनेंगे, ये तो जाहिर सी बात है, बनना तो हर कोई चाहता है। 17 तारीख को मतदान संपन्न होता है, अगले दिन TS सिंहदेव का एक बयान सामने आता है कि यह मेरा मुख्यमंत्री बनने का अंतिम अवसर है, अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। आखिर कैसी संभावनाएं निर्मित हो रही है उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर? मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने ये नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि आप जो इंटरव्यू लिए होंगे उसमें कहा होगा मंत्री जी ने, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी, उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव जो है किसी भी मतलब तरह का चुनाव में शामिल नहीं होऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि पार्टी में बने रहेंगे और उनका वोट भी जो कांग्रेस को लगातार जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन कहा कि मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है, इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। आइए और भी हमारे युवा मतदाता हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। विकास केसरी नाम है मेरा। सरगुजा संभाग में सबसे ज़्यादा सीटों का नुकसान देखा जा रहा है, 7 से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है, क्या कारण मानते हैं? पिछले बार के हिसाब से देखा जाए तो पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो ऐसा लग रहा था हाँ ये तो कांग्रेस का सीट निकल ही रहा है, जीत ही रहा है। इस बार लगभग सभी सीटों में ये देख रहे हैं 50-50, भाजपा की तरफ से भी कहा जाता है कि ये जीत रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो सभी सीटों पे 50-50 लग रहा है। एक तरफ से कहना ये कि नहीं कांग्रेस ही अगर पूरा 14 सीट ला रही है, भाजपा ही पूरा 10-14 सीट ला रही है, तो मेरे को लगता है मुश्किल है इस बार। लेकिन 50-50 है। 2018 के विधानसभा में सरगुजा संभाग के सभी 14 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, कारण क्या? पिछले बार घोषणा पत्र था उनका, बहुत अच्छे अच्छे वादे थे, और उस हिसाब से देखा जाए युवाओं के लिए भी था, किसानों के लिए भी था, और भी बहुत से मुद्दे थे, सब में कांग्रेस ने बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाया था जिसके लिए वो 14 सीट पाए। अब इस बार बीजेपी का भी घोषणा पत्र देखा जाए और कांग्रेस का, तो दोनों लगभग कुछ ही अंतर मानेंगे, बाकी सेम ही है घोषणा पत्र, तो इस बार चुनाव 50-50 है दोनों पार्टी के लिए। एग्जिट पोल में तमाम एजेंसियों, मैं एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता कांग्रेस की। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए पिछले बार एग्जिट पोल
1972 में बीजेपी और कांग्रेस लगभग लगभग 5-7 सीट का अंतर था, और एक अचानक देखे कि बीजेपी 17 सीट ही आ गया और कांग्रेस एकदम 65-67 सीट आ गया। तो एग्जिट पोल उतना मायने नहीं रखता है, अब ये तो नतीजा परसों ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? नहीं, इस बार तो दोनों अपने अपने जगह पर, दोनों इस बार ये नहीं कहा जा सकता कि यहीं की सरकार बनेगी, कोई भी, दोनों मजबूत हैं इस बार छत्तीसगढ़ में। अच्छा, और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या आपको लगता है अंबिकापुर के विधायक दिग्गज कांग्रेसी नेता टीएस सिंह तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले तो बयान आया था, इंटरव्यू में देखा था कि हाँ कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, अगर और सीएम के भी उम्मीदवार हैं, वो पिछले बार भी थे, चूँकि किसी कारण से वो नहीं बन पाए। हम लोग को सरगुजा के होने के नाते दुख तो है कि हमारे सरगुजा से कोई सीएम बनता तो सरगुजा में और भी विकास होता, पर हाँ देखिए ये तो अब उनकी पार्टी ही बता पाएगी कि क्या कौन बनेगा सीएम। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हाँ सरगुजा से कोई सीएम बने, कोई क्यों नहीं चाहेंगे, अगर घर का मुखिया अगर कोई बड़े पद में हो तो और अच्छी बात है, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, अगर बड़े पद में है तो उनके लिए सम्मान है। महिला मतदाता भी हैं हमारे साथ जिन्होंने मतदान किया है। आपने मतदान किया था? जी। तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल कल देर शाम आए, क्या लगता है सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी वापसी कर रही है, कारण क्या है? कारण सबका भाई अपना अपना काम करने का तरीका होता है, सब अब अच्छे काम करेंगे तो उस हिसाब से जनता को अच्छा लगेगा तो उनको वोट देंगे ही, उसमें क्या बोल सकते हैं। वैसे काम तो दोनों ही अच्छे कर रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी भी अच्छा काम की है, तो जनता को जो अच्छा लगे। आपने घोषणा पत्र देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का भी कांग्रेस का भी, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि साल में 12,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, फिर दीपावली के दिन भूपेश बघेल घोषणा करते हैं हम 15,000 देंगे, आप किनके घोषणा पत्र से ज़्यादा प्रभावित हुए? मैं किसी के घोषणा पत्र से प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि सब पता है कि सबको बस वोट चाहिए, वोट लेने के लिए भाई बोलते हैं साल भर तक देंगे, उसके बाद में देखिए अभी बेरोजगारी वाला भत्ता निकला था उसमें भी सबको था कि सबको मिलेगा जितने बेरोजगार, लेकिन किसी ना किसी कारण से सबको निकाल दिया गया घर में कि आपको पेंशन मिलेगा तो आपको फिर बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, घर में किसी एक को मिलेगा, इतना सारा नाटक करके किसी को नहीं मिला, तो मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। भाई जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा, वो भले भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने रमन सिंह का भी 15 साल का कार्यकाल देखा, भूपेश बघेल का भी 5 साल का कार्यकाल देखा, किनकी योजनाएं ज़्यादा बेहतर है, किनका कार्यकाल अच्छा? हाँ ठीक था, अपने अपने जगह पे सब ठीक, मुझे भाई मतलब भूपेश बघेल का भी ठीक था, ठीक लगा काम। एक व्यापम घोटाला सामने आया, पीएससी घोटाला, क्या कहना है? देखिए अब लोग व्यापम पे भरोसा करते थे, सब जगह घोटाला होता था लेकिन व्यापम में कभी सुनने को नहीं आया, लेकिन अब इसमें भी अब घोटाला हो रहा है तो अब आम आदमी क्या कर सकता है इसमें, तो ये सब तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना, उनको कार्यवाही करना पड़ेगा इसमें, तब तो कुछ होगा। आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार किसी की भी बने, कम से कम काम ईमानदारी से होना चाहिए, जनता को मतलब जिस हिसाब से वादे किए जा रहे हैं उस वादे को पूरे करने चाहिए। बस स्थानीय विधायक टीएस सिंहदेव हैं, लगातार 3 बार से चुनाव जीतते रहे, चौथी बार, क्या लगता है जीतने का चांस तो है उनका? और मुख्यमंत्री बनने को लेकर? मुख्यमंत्री बनने का भी चांस है, पिछली बार भी चांस था उनका लेकिन बन नहीं पाए, लेकिन बन सकते। कल देर शाम कई एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए, सभी ने सरकार तो बता रहे हैं कि कांग्रेस का आ रहा है लेकिन सीटों का नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी वापसी करती नजर आ रही है, क्या कारण मानते हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें कारण हो सकती है, या तो फिर जिस तरह से बीजेपी ने लगातार लोगों से जनसंपर्क किया और जिस तरह से लास्ट अंतिम समय में अपने घोषणा पत्र में जारी किया, तो हो सकता है कि कुछ सीटें मिले, लेकिन पूरी तरह से कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी तो सिर्फ ओपिनियन एक पोल आया हुआ है जिसमें सर्वे में बता रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को रिपीट करेगी। आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्र को देखा है, क्या मानते हैं किनका घोषणा पत्र ज़्यादा बेहतर? देखिए चुनावी मुद्दा रहता है तो घोषणा पत्र निश्चित तौर से वो अपने तरह से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन धरातल में अगर बात किया जाए तो उन 5 सालों के अंदर ही दिखता है कि किसने क्या काम किया है। घोषणाएँ तो आते हैं करके चले जाते हैं लेकिन धरातल पर तो दिखते नहीं है काम। घोषणा पत्र किसके बेहतर है? घोषणा पत्र की बात करें तो दोनों ने अपने तरीके से बेस्ट देने की कोशिश किए हैं, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एक का तो बोल नहीं सकते कि वो ही सुप अच्छा दिए हैं।
धान की कीमत को दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी ने फोकस किया, भारतीय जनता पार्टी ने बोला 3100 रुपए, तो कांग्रेस ने 100 रुपए और बढ़ा दिया 3200 रुपए। क्या लगता है कि किसान कार्ड खेलने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, ये तो पूरी तरह से दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो धान का कटोरा बोला जाता है और यहाँ पे सबसे माना जाता है कि कृषक लोगों को लुभाने का एक तरीका होता है, वोट बैंक को साधने की एक तरीका है, तो अपने तरीके से हर राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरे को देख के और उसी अनुसार से घोषणा पत्र किए हैं कि कृषकों को मैक्सिमम वोट उनको मिल जाए। क्या लगता है अंबिकापुर विधानसभा सीट TS सिंह एक बार फिर चौथी बार जीत दर्ज कर पाएंगे? देखिए, जैसा ओपिनियन पोल आ रहा है उसके अनुसार से तो उनको बनना चाहिए, लेकिन अभी तो आने वाला जो 3 तारीख का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी में पता चल पाएगा। आप स्थानीय मतदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी को बहुत नज़दीक से जानते हैं, क्या लगता है सिंधु जीतेंगे या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अभी तक ये बोला नहीं जा सकता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे या भाजपा के, क्योंकि यह पूरी तरह से 3 तारीख को जो रिजल्ट घोषित होगा उसके बाद ही डिक्लेयर होगा। अगर TS सिंधु चुनाव जीतते हैं और कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री की बातें तो विगत 5 सालों से लगातार चल रहा है, तो उसमें क्योंकि उनका खुद का एक स्टेटमेंट रहता है, क्योंकि ऊपर में जो बैठे हुए उनके शीर्ष नेता, तो वही इस चीज़ को फाइनली करेंगे कि किनको मुख्यमंत्री बनना है नहीं बनना है। हालांकि हमारी स्थानीय है तो हर कोई चाहता है कि एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। TS सिंधु ने इच्छा जाहिर की, पिछले बार भी 2.5-2.5 साल वाली बात सामने आई थी। देखिए, जिस तरह से मतलब 2.5-2.5 साल के फार्मूले को लेकिन विगत 5 सालों तक एक मुद्दा चलता रहा और अंतिम समय में छत्तीसगढ़ का DC का पद दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार अब क्या होगा वो तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजनीतिकों का एक होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ें उनके आपस में बीच में कुछ चर्चाएँ हुई तो उसको लोगों के समक्ष रखना चाहिए। यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि एग्जिट पोल पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, साथ ही उनका कहना है कि अब हैं 3 तारीख का इंतजार ही करना पड़ेगा, 3 तारीख को परिणाम आएंगे, उसके बाद ही देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की सरकार आती है या भारतीय जनता पार्टी की। सुमित सिंह, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ तक।